read that censor? It's on censorship. We have seen all types of pictures being made in this country. किसने सेंसर पर फिल्म तो नहीं बनाई ना, बनानी चाहिए. ड्रामा है, सेंसरशिप है, हमारी मुल्क की सेंसरशिप है, लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, ऑर्थोडॉक्स लोगों के लिए है, कंजर्वेटिव लोगों के लिए है, सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए है. ये सेंसरशिप क्या चीज़ है, क्या होती है, कैसे होती है, उसी पर ड्रामा बिल्ड किया है. और मज़ेदार बात है, सेंसर वालों को भी अच्छी लगेगी, किसी ने बनाई नहीं है. लोगों के दिमाग खुलेंगे, उनके अंदर एक रोशनी आएगी कि ये चीज़ क्या है, क्या. टुडे आई कॉल द प्रेस टू टेल देम who all are in my picture, which I shall a little while later. I'll pick up the microphone and tell everybody who all are working in the picture. This is the main purpose. Dev Saab has in his heart, people see it and accept it. First I was little reluctant, then I felt ki I can't say no to Dev Saab, though I am very very busy with my dances. That's the reason I am not accepting any films, but to Dev Saab I can't say no. Whatever role he is giving, I am just doing it. Mere parivar wale sab itne khush hain, mere mata pita jo ki Dev Saab ke fan hain. जब उनको पता लगा कि देव साहब ने मुझे पसंद किया और मैं उनकी पिक्चर कर रहा हूँ सेंसर, तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था. मतलब क्या मजाक कर रहा है क्या तू, तू देव साहब की पिक्चर कर रहा है, तुझे देव साहब का फ़ोन आया. मतलब मेरे घर में तो आधा घंटा ये हो गया कि सच्ची में देव साहब का ही फ़ोन था कि किसी ने मजाक किया. मतलब मेरे लिए इतनी बड़ी बात है. फर्स्टली आई लाइक टू थैंक गॉड फॉर ब्रिंगिंग दिस डे इन माई लाइफ. इट्स अ डे आई एम रियली गोइंग टू रिमेंबर थ्रू आउट. I'm Heeni Kaushik. I'm an army officer's daughter, and you can call me a Devanand discovery. So that's my introduction as of now. I'm doing movie, big banner, and big director, big star, and all that setup. It's a multi-star cast movie, actually. तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनकी फिल्म में काम कर रहा हूँ. उन्होंने मुझे याद किया. मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी बात है. कोई फिल्मी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. हकीकत यह है कि जब मैंने मिमिक्री शुरू की थी तो हम लोगों ने इनकी इतनी नकलें की, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे दिल में इनके लिए कितनी बड़ी जगह है. और खुश नसीबी नहीं तो क्या, उनकी फिल्म में उन्होंने अपने लिए इतना अच्छा रोल के लिए बुलाया मुझे. मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये था कि ये नहीं था कि मेरी मुझे इस फिल्म में क्या मेरा रोल है और क्या है. मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये था कि मुझे देवानंद के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. फिल्म से ज़्यादा देव साहब को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और देव साहब के साथ फिल्म करना तो अपने आप में एक मज़ा है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. देव साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, और उनकी शख्सियत जो है वो काबिले तारीफ है. मैं कहता हूँ कि हम जैसे लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए. लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, सच ए सीनियर पर्सन. और मैं चाहता था कभी ना कभी इनके साथ काम करूँ. इस बार उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और उसमें रोल बहुत अच्छा है. मैंने कहा जी वो आप चिंता मत कीजिए, आपका इतना कह देना कि हमारे साथ काम करो. मैंने कहा देव साहब दिस इज़ अ प्रिविलेज.